हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या अली या अली ला दूर है लाला दूर है करबला दूर है लाला दूर है करबला दूर है लाला दूर है या ये तस्वीर आप दरभंगा के गुस्तरम्मा पंचायत से देख पा रहे हैं। ये है अफरोज जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, इनके साथ गुलजारी शाह। सभी लोगों ने मुहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए बेहतर पहल किया और चारों तरफ युवाओं पर ध्यान रखा, युवाओं को समझाया और जागरूक किया। सचमुच अगर कहा जाए तो किसी त्यौहार को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले उस त्यौहार के बारे में जानना चाहिए। इन युवाओं ने भी कमाल किया है, आपस में भाईचारा का संदेश देते हुए गुस्तरम्मा पंचायत के युवा सभी लोगों ने बेहतर मुहर्रम मनाया है। इन सभी लोगों को देखिए, ये कैसे लोगों का सेवा कर रही हैं। शरबत बांटा जा रहा है, जो मुहर्रम में लोग गए हुए हैं, जो लोग जा रहे हैं उनको ये लोग शरबत बांट रहे हैं। ऐसे में आज हम दरभंगा जिला के गुस्तरम्मा पंचायत से ये विशेष कवरेज दिखा रहे हैं। ये बांसडी गांव है जहां पर ये सभी लोग आज तो ये ताजिया को देख सकते हैं। ताजिया के सामने ये सभी लोग यहां पर हैं और सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि गुस्तरम्मा पंचायत में शांतिपूर्वक तरीके से मुहर्रम कैसे मनाया जाए, इसके लिए सभी लोग गौर से इस पर चर्चा भी करते हैं। ये है खासकर करबला की तस्वीर दिखा रहे हैं गुस्तरम्मा पंचायत में। ये पहले नहीं हुआ करता था और आसिया प्रवीण जो मुखिया बनी है उन्होंने बेहतर तरीके से करबला को बनाया है, जिससे कि स्थानीय लोगों में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। सरकार को भी लोगों ने धन्यवाद दिया क्योंकि इस तरह की योजना से गांव में कुछ न कुछ विकास होता है और ऐसे में लोगों को सहूलियत भी मिलता है। यहाँ पर शाम के समय पूरे ग्रामीण जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और करबला में आकर उन्होंने खासकर जो यहाँ पर रस्म होता है वो रस्म किया है। साथ ही आपको बता दें कि आज के दिन जो मुखिया हैं प्रतिनिधि अफरोज, उन्होंने क्या कहा इंटरव्यू में वो सुनाते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे लोग जो है भारी संख्या में मुहर्रम के जुलूस में निकले थे। हायाघाट थाना के द्वारा विभिन्न जगहों पर सभी पदाधिकारियों के द्वारा अपना ड्यूटी जो है वो निभाया गया है। रसूलपुर में भी बैठकर जो पुराने मुखिया हैं अरविंद सिंह हो या फिर ऐसे तमाम लोग, धीरज पंडित हो, ऐसे तमाम लोगों को हमने देखा कि वहाँ पर अपना बैठकर उन्होंने ध्यान रखा है। यहाँ खासकर जो क्या कहेंगे जी, सबसे पहले मैं भारत उदय समाचार को धन्यवाद दूंगा जो सब पर्व में, मुसलमानों के पर्व में भी वो कवरेज करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। जो सब धर्म के पर्व में वो पहुँचते हैं और लोगों से बात करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। क्या सब हुआ मुखिया जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुहर्रम का त्यौहार था, हजारों लोग सड़क पर रहते हैं लाठी डंडे लेकर, ऐसे में संभालना या फिर कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हैं? जी यहाँ हम लोग आज मुहर्रम त्यौहार के लिए बेहतरीन तरीके से एक माने हम लोग कमेटी बनाते हैं। कमेटी के द्वारा सब जो बाहर से भी आते हैं लोग बहुत त्यौहार मनाने के लिए, गाँव से भी रहते हैं, हजारों हजारों की भीड़ रहती है, उसमें समझदार लोग खेलने वाले खेलते भी हैं और साथ में गार्डिंग भी लोग करते हैं बहुत अच्छे ढंग से। जैसे हम लोग वहाँ इस कमेटी की बैठक में हम लोग कहे थे वही उसी तरह से हम लोग इसका पालन किया। नहीं, हायाघाट थाना पर जो शांति समिति की बैठक हुई तो आपने क्या कोई ज़रूरत भी कहा था कि हमारे पंचायत में ये ज़रूरत है या फिर ऐसी कोई टेंशन या कोई चिंता की बात है या कोई दिक्कत है? बारे में सिर्फ हम लोग ये कहे थे कि फर्स्ट एड के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, वो व्यवस्था हो नहीं पाया, एकदम फर्स्ट एड नहीं था, कहीं दिखा भी नहीं, दिखा ही नहीं फर्स्ट एड के लिए, एम्बुलेंस व्यवस्था कहे थे वो नहीं हो पाया और हम लोग खुद ही अपने से ही बहुत ढंग से चलते हैं। फर्स्ट एड में तो एम्बुलेंस नहीं, दवा वगैरह की की मांग किया होंगे, था उसमें दवा के लिए ही कहा गया था, फर्स्ट के लिए दवा होता है ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड का, वो नहीं हो पाया उपलब्ध, मगर तब भी हम लोग बहुत शांति से बहुत अच्छे ढंग से मुहर्रम का त्यौहार, हम इसके लिए समाज के सभी गुस्तरम्मा पंचायत के सभी प्रबुद्ध लोगों को एवं जो बाहर से आए हुए हैं मुहर्रम में मनाने के लिए उनका धन्यवाद देते हैं जो बहुत शांतिपूर्वक से मुहर्रम का त्यौहार मनाया। हम सबसे पहले नौजवानों को, जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत ढंग से त्यौहार मनाए और साथ में हम लोग का साथ दिया, उनको धन्यवाद देते हैं और साथ साथ प्रखंड के जितने पदाधिकारी हैं, वो सीओ साहब हों, बीडीओ साहब हो, बीपीआरओ सर हो, प्लस थाना अध्यक्ष हों,
थाना के जितने स्टाफ हो सबको बहुत धन्यवाद देते हैं जो शांतिपूर्वक तरह से मुहर्रम का त्यौहार खत्म किया। मुखिया जी, अगर बात करें मुहर्रम की तो कैसा माहौल रहता है, खासकर मिठाइयाँ बिकना या फिर लोगों का उत्साह, खासकर जो मेला भी लगाया जा रहा है, तो ऐसे में आपके पंचायत में क्या सब होता है? अगर बात करें 10 दिन में क्या सब होता है यहाँ पे? देखिए, यहाँ एक अखाड़ा है, अखाड़ा पे सब दिन लगभग मिठाई की दुकान लगती है कि लड़के लोग खेलते हैं वहाँ, अपना प्रैक्टिस करते हैं, दिखाते हैं करतब खेल का। 8 दिन 7 दिन तक, 8वां दिन भी वही हाल रहता है, 9वां 10वां दिन बाहर जुलूस निकलता है और एक मेला ही की तरह पूरा चौक चौराहा मिठाई की दुकान सस्ती है। बहुत खुशी से सब मिठाई लेते हैं और त्यौहार मनाते हैं। नहीं, आज कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ? आज हम लोग बांसडीहा अखाड़ा से उठकर चौक पर बेंता से मिलान करते हुए यहाँ से सीधे पटोरी होते हुए गोसामा मिडिल स्कूल पर हम लोग आपस में ही मिल के फिर वहाँ से पुनः वापस बांसडीहा। इस पंचायत में कहाँ कहाँ के लोग का एंट्री होता है, खासकर जुलूस में? एक बगल में बल्लीपुर है, वहाँ के लोग बेता, पांचडी और कुछ पटोरी, ये लोग पटोरी घुसामा हम लोग ये लोग सब आते हैं। रसूलपुर से भी आते हैं क्या? रसूलपुर से आते हैं, रसूलपुर से मिलान होता है हम लोग का। हाँ। वही मिडिल स्कूल पर। अच्छा, मतलब वहाँ पर क्या होता है जैसे वहाँ पे ताजिया मिलान होता है और लाठी भी मिलती है, सब आपस में लाठी मिलाते हैं और ताजिया का भी मिलान होता है। ताजिया मिलने के बाद कुछ देर खेलते हैं फिर वहाँ से पुनः वापस आ जाते हैं। तो इस बार कितना भीड़ था, मतलब हुआ कि नहीं? भीड़ तो बहुत थी, मगर अफसोस है जो कुछ घटना के कारण रसूलपुर से लोग नहीं आ पाए। रसूलपुर से नहीं आए, मतलब आपस में ही आप लोग मिला? जी, जी, आपस में कुछ लड़े। तो आपके पंचायत में सब कुछ ठीक ठाक शांति रहा? पंचायत बहुत ही शांतिपूर्वक रहा, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। बहुत बहुत फिर से एक बार क्या कहेंगे जनता को, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है जब लोग सड़क पर इतने लोग खड़े हों और शांति से सब कुछ हो जाए, तो ये बहुत, ये जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। जवानों को शुभकामना देंगे, नौजवानों को खास करके, जो सही ढंग से मुहर्रम का त्यौहार मना लिए, इसके बहुत धन्यवाद है सभी पंचायत के जनता को। साथ हम कहेंगे पर्व त्यौहार तो हर साल आता ही रहेगा और होता ही रहेगा, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ाई लिखाई पर भी विशेष ध्यान दें, जिससे समाज का विकास हो, समाज में अच्छा से अच्छा समाज बने, इसके लिए पढ़ाई शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, दुआ करूँ मुझे खातिर नबी की है, या बस दुआ करूँ मुझे खातिर नबी की है, ऐ लखते दिल रसूल के जहरा के नूर ऐन, ऐ लखते दिल रसूल के जहरा के नूर ऐन, तो पाप खुदा को जा मेरे हुसैन, बानों की बेकरारी थी इस वक्त इस कदर, बानों की बेकरारी थी इस वक्त इस कदर, ये आप जैसे माही तक पर रहे, ये आप जैसे माही तरपती है बात कर रहे। क्या कहेंगे, इस त्योहार में कहाँ से आए हैं, यहीं के गांव में रहते हैं या बाहर से आए हैं? हम गांव से बिलोंग करते हैं, बेता से। हाँ। दरभंगा रहते हैं। दरभंगा, मेरा नाम मोहम्मद ईद भारती है। और क्या बोले? मोहम्मद ईद भारती। ईद भारती, हाँ। और हम मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष हैं। जी, बेता जी। और बोलना ये था, हाँ, कत्ले हुसैन असल में मर गए असीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। ये अभी हम लोग जो खड़ा है जहाँ, इसे करबला बोला जाता है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले हजरत हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए करबला की सरजमी जो इराक में है, वहाँ उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी और शहीद हो गए इंसानियत को बचाने के लिए। ठीक है, उसी का प्रतीक हर जगह मजहब इस्लाम को मानने वाले, हजरत हुसैन से प्यार करने वाले लोग इस तरह का करबला बनाते हैं और ताजिया बनाते हैं, और ताजिया के अंदर जो शहरा होता है उस शहरे को ला करके यहाँ दफनाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे सामने करबला। आपका गोसरम्मा पंचायत में वेलकम, स्वागतम है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे पंचायत की जानिब, गोसरम्मा पंचायत की जानिब से श्रीमती आशिया खातून का, जो मुखिया बनी,
आशिया परवीन जो मुखिया बनी घोसरम्मा पंचायत की, और उन्होंने अपने काम से अपनी मेहनत के बल पे इसको इतना चमक धमक के पैदा किया इस पंचायत में। और आज जहां हम खड़े हैं, ये करबला बिल्कुल छत बिछत था, बिल्कुल मिट्टी का था, इसको उन्होंने अपने कर कमलों से इसको सजाया है, रंग रोशन किया है, मिट्टीकरण करके इसका पूरा प्लास्टर करवाया है, ठीक है, इस तरह से बहुत ही बेहतर काम किया। अब इस करबला में कम से कम 1000 लोग खड़े होकर के खड़ा हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ देख की फातिया की जाएगी और बहुत बेहतर तरीके से शेरा को दफन किया जाएगा। साथ में बिहार सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का योजना चला करके वो पब्लिक का फायदा पहुँचा रहे हैं। आप चाहे वो हिंदू देवी देवता के लिए हो या मुसलमानों के किसी धार्मिक जगह का व्यवस्था करना हो, ये सब बिहार सरकार कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। घुसरम्बा हम लोगों का जो मिलान गाती है, ये सेवा कर रहे हैं क्या ये लोग? हाँ, लोग मोहल्ले शरबत बांट रहे हैं। ऐसा अच्छा काम है ना? अच्छा, कहाँ गए थे मिलान के लिए? मिलान के लिए हम लोग घुसरम्बा जाते हैं। कितने साल से? ये पुराना बाप दादा के जमाने से, 100 साल से। तो मतलब कैसा रहता है माहौल वहाँ? बहुत अच्छा माहौल है। हम लोग के पूरे गांव से क्या, रसूलपुर वाले जो आते हैं दूसरा ताजिया मिलन करने, शायद वहाँ कोई घटना हो गया जिस वजह से हम लोग आपस में, अच्छा दो ताजिया यहाँ से है। अच्छा, रसूलपुर इस बार नहीं आए क्या? नहीं आए, हम लोग एक उधर रखे, एक साइड रखे, मिला के आपस में फिर हम लोग रिटर्न हो। तो रसूलपुर वाले इस बार क्यों नहीं आए? वो बता रहा था कि कोई चाकूबाजी कुछ ऐसा हो गया, कुछ लड़ाई झगड़ा शायद हुआ है, इस वजह से नहीं आ पाए। तो थोड़ा सा आप लोगों को कमी खला होगा ना इस बार? हाँ, लेकिन कमी तो खला, क्योंकि सब लोग आते हैं खेलने में, अच्छा लगता होगा। खला अच्छा अच्छा लग रहा है। मोहर्रम इस बार अच्छा गया ना? बहुत अच्छा गया, लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं अल्लाह से, क्या कहेंगे इसके लिए, लोगों के लिए क्या दुआ करते हैं? मतलब सब इसमें शांति का ये त्यौहार है कि लोग शांति रहें, हमारे इमाम हुसैन के साथ उसका जिक्र करें, उनका सुने। तो ये जो मतलब घुसरम्मा में कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, कौन से गांव के? ये आपको बगैर बेहता एक गांव है, वहाँ के लोग पूरा रहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद वसीम हुआ। अच्छा, मोहम्मद वसीम जी। गांव? गांव हमारा बांसडी। बांसडी वार्ड नंबर 7। वहीं से खेल के आ रहे हैं क्या? हाँ। Hi, hi, guys, guys. Hi. Hi, sir. भारत उदय समाचार है ना? हेलो गाइस, हेलो हेलो है किसी के मोबाइल में ग्राउंड का? वीडियो किए, वीडियो जो किया ग्रुप में आया होगा ना? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। हाँ भाई, ग्रुप में तो अलग वीडियो आएगा तो हम भेज सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा भी भेज देंगे ना तो काम आ जाएगा। एक्चुअली पता चला कि इस बार खेला भी नहीं हुआ ठीक से। नहीं नहीं, खेला तो हुआ है यहाँ। हाँ, यहाँ हुआ है। नहीं, आपस में हुआ ना मतलब? ठीक है, और कहाँ है मुझे? आ जाओ। अल्लाह।
हाल है, सब ठीक ठाक है? अरे अच्छे से चलो। एक बार ठीक है, अच्छा फोटो है ना। वीडियो बना सदमा का वो अच्छे से ना। और सब ठीक है? आते हैं सर, थोड़ा सा विजुअल ले लेते हैं लोगों को। क्या हुआ अच्छे से? कोई बात नहीं ना। वैसे ऐसे लोगों को कहाँ पे होता है? ये यहीं पे ठीक है, आ रहे हैं वहीं पे। बस ये यहीं पे बस आ रहे हैं वहीं पे। चलिए